Okay, so good evening everyone. Today we are going to talk about regulation of gene expression. So in the regulation of gene expression means first we will see there are different number of terms we are going to use here for the regulation of gene expressions. So those terms basically we will see and we will try to understand the basic mechanism of gene expression. हम आज देखेंगे कि हाउ जीन एक्सप्रेशन इज गोइंग टू वर्क, इसको रेगुलेट कैसे करते हैं और बहुत सारे टर्म्स हम यूज करते हैं इसमें, रिप्रेशन, एक्टिवेटर्स, एक्सप्रेशंस, ऑपेरॉन्स, सो बहुत सारे टर्म्स यूज करेंगे. सो वी विल ट्राई टू लर्न दोज टर्म्स एंड उसके बाद हम बात करेंगे टू डिफरेंट ऑपेरॉन सिस्टम की हम बात करेंगे, एक ट्रिप ऑपेरॉन की, ट्रिप्टोफान ऑपेरॉन की, एंड दूसरा हम लैक्टोज ऑपेरॉन की बात करेंगे मेनली. अगर आपको कोई ऑपेरॉन पढ़ना होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, अदरवाइज ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपेरॉन है जो हम बात करेंगे. सो बेसिकली दिस इज दी सेंट्रल डॉग्मा जो हमने डिटेल्स पढ़ा है अभी तक, राइट. सो सेंट्रल डॉग्मा में क्या होता है कि डीएनए, वी आर हैविंग ए डीएनए दैट इज आवर जेनेटिक मटेरियल. सो डीएनए इज द नॉर्मली वी आर गोइंग टू कॉल इट इज ए केमिकल व्हीकल फॉर आवर हेरिडिटी एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जो हमने ऑलरेडी देखा है. न्यूक्लियोटाइड्स मिल के हमें देते हैं जीन. सो हमारे पास डीएनए में जीन्स होते हैं, जो हर एक जीन्स नॉर्मली रिस्पॉन्सिबल होता है पर्टिकुलर प्रोटीन्स के लिए. ये डीएनए हमें देता है मैसेंजर आरएनए. सो जिस तरह का हमारे पास डीएनए होता है, जीन्स होते हैं डीएनए में, उसी तरह का हमें मैसेंजर आरएनए मिलता है फॉर ए पर्टिकुलर प्रोटीन्स, पर्टिकुलर जीन्स, एंड उसी मैसेंजर आरएनए को हम अल्टीमेटली प्रोटीन्स बनाते हैं. सो अगर मैं ह्यूमन की बात करूं तो ह्यूमन जीनोम इज मोर कॉम्प्लेक्स एंड इट इज हैविंग नंबर ऑफ जीन्स इज टू हाई. सो रफली हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं, जो सभी क्रोमोजोम्स में हमारे पास डीएनए होते हैं और सभी क्रोमोजोम्स में अलग अलग जीन्स होते हैं. सो 23 पेयर ऑफ आर डिप्लॉयड क्रोमोजोम्स विच कंटेंट्स रफली 6 बिलियन, मतलब अगर आप नंबर में लिखेंगे तो 6 × 10⁹. दिस मेनी नंबर ऑफ बेस पेयर वी आर हैविंग ऑन एन एवरेज, ठीक है. अब ये 6 × 10⁹, और आप बोल सकते हैं 6 बिलियन बेस पेयर्स, ये हमारे लिए इक्वल होते हैं रफली 30,000 to 40,000 डिफरेंट जीन्स के लिए. मतलब हमारे पास 30,000 से लेकर 40,000 तक जीन्स होते हैं रफली. हर एक जीन्स हमें मिनिमम एक प्रोटीन तो देते ही देते हैं. तो कम से कम 30,000 से 40,000 प्रोटीन, 30,000 to 40,000 प्रोटीन्स हम बनाते हैं, ठीक है. अब इस सारे प्रोटीन्स के एक्सप्रेशन को या प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास रेगुलेशंस होते हैं. हम डीएनए हमारे पास होते हैं, ये डीएनए में नॉर्मली अल्टीमेटली प्रोटीन देते हैं. सो दिस इज अ सिस्टम. So we are going to start from DNA and ultimately we are going to end with the proteins, ठीक है. ये आपने देखा था. So we have seen DNA replication, we have seen transcription, we have seen translation. ये तीनों बेसिक प्रोसेस हमने देखा था डिटेल्स. सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो हमारा मेन DNA का काम होता है हमें प्रोटीन बना के देना और प्रोटीन्स की डेस्टिनेशन, प्रोटीन को अलग अलग जगह ट्रांसपोर्ट करवाना. सो ये प्रोटीन सारे बनेंगे और डिफरेंट लोकेशंस पे जाएंगे जो उनकी डेस्टिनेशन है, वट एवर वेर एवर इट नीड्स टू वर्क, जहाँ उसकी काम होनी है, जहाँ उसका एक्चुअल फंक्शन होना है. सो देयर दिस प्रोटीन नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, सो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट. सो टोटल हमारे पास 7 डिफरेंट टाइप्स का रेगुलेटरी सिस्टम्स हैं, या यू कैन कॉल इट, आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं कि द सेलुलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोटीन्स, जो हमारे पास प्रोटीन बनना है, that is determined by where 7 different steps, yeah, 7 different processes we are having where we are going to regulate these protein synthesis. अब वो कौन कौन सा सिस्टम होगा? तो फर्स्ट स्टेप इज द सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी आरएनए ट्रांसक्रिप्ट, सो दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. अगर आप यहाँ देखेंगे, सो वी आर हैविंग ए डीएनए एंड डीएनए थ्रू द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस वी आर गोइंग टू गेट ए प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट. सो दैट इज, इस ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को हम रेगुलेट करते हैं. सो वी आर हैविंग द ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशंस. इसी ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशंस को आज हम पढ़ेंगे. सो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन. सो वी आर गोइंग टू सी दिस ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन ओनली, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी प्रोसेस इन द प्रोटीन सिंथेसिस. सेकेंड होता है कि जब आपने प्रोटीन बना लिया, उस प्रोटीन को हम modify करते हैं so that functional mature RNA we are going to get, so that is called as post transcriptional modification या post transcriptional processing, जिसमें हमने पढ़ा था capping, tailing, splicing, RNA editing, RNA degradation. So these are post transcriptional processing. So first, second, third है messenger RNA degradations. Once messenger RNA has done their functions, it need to be degraded. So this is the third process of regulation. अगर आप मैसेंजर आरएनए रिटेन करेंगे बहुत देर तक या उसकी हाफ लाइफ बढ़ जाएगी, सो ऑब्वियसली इट विल बी यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो अगर आपको प्रोटीन सिंथेसिस या प्रोटीन कंसंट्रेशन को नॉर्मली रेगुलेट करना है, मैनेज करना है इन द सेल्स कि कितना प्रोटीन हमें चाहिए, कब तक हम प्रोटीन बनाएंगे, तो उसके लिए आपको आरएनए की हाफ लाइफ भी डिटरमाइन करनी चाहिए, हाफ लाइफ भी रेगुलेट करना चाहिए कि प्रोटीन की हाफ लाइफ या सॉरी मैसेंजर आरएनए की हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उतनी ज़्यादा प्रोटीन बनती रहेगी. तो आप मैसेंजर आरएनए नीड टू बी डिग्रेडेड. देन वी आर हैविंग प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन प्रोसेस. सो मैसेंजर आरएनए गोइंग टू बी यूज्ड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. दिस प्रोटीन विच इज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दैट इज इनएक्टिव प्रोटीन. तो जब आप ट्रांसलेशन करते हैं तो प्रोटीन हमें मिलता है दैट इज इनएक्टिव प्रोटीन. सो this translation is also going to be regulated through different ways, different mechanism. Then those proteins are going to be processed. जो हमने देखा था two types of modifications, chemical modifications and structural modifications. हमने कुछ functional group add करे थे जैसे carboxyl group, amino groups, disulfide bonds, number of different type of acetylations, means acylations, methylations. सो ये सारे केमिकल मॉडिफिकेशन थे. दूसरा आप स्ट्रक्चर को तोड़ मतलब ट्विस्ट करके डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्ड्स बना के दैट इज स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन. सो दैट इज कॉल्ड एज पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, मीन्स आफ्टर ट्रांसलेशन वी आर गोइंग टू मॉडिफाई. सो 3, दिस इज 4, दिस इज 5. आफ्टर दिस वन दिस प्रोटीन, वह जो प्रोटीन आपने बनाया है, अब हमारे केस में इन आर केस सभी प्रोटीन का सिंथेसिस जो होगा वो साइटोप्लाज्म में होता है, बट लोकेशंस प्रोटीन की अलग अलग होती है. साइटोप्लाज्म में बनने के बाद कुछ प्रोटीन को न्यूक्लियस में जाना पड़ सकता है, कुछ प्रोटीन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना पड़ सकता है, कुछ प्रोटीन को लाइसोसोम में जाना पड़ सकता है, कुछ प्रोटीन को ब्लड में आना पड़ सकता है, कुछ प्रोटीन को डाइजेस्टिव सिस्टम में जाना पड़ सकता है. सो प्रोटीन नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, नीड टू बी टारगेटेड टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन. वो डिसाइड करता है, उस पर सेंट्रल एक सिग्नल पेप्टाइड होता है जो हमने दिखा था स्प्लाइसिंग के समय में, सॉरी प्रोटीन डिग्रेडेशन के समय में. So that is my 6th regulation, and the 7th regulation is once this protein has done their functions, this protein need to be degraded. So these are the 7 different steps of regulation of protein synthesis and their concentration in a cell. Is it clear for everyone? Sanjit, is it clear? So the same thing here I am going to talk in a different way. So if you would divide the regulatory steps, so we had a transcriptional regulations, translational regulations and a post translational regulations. Transcriptional regulations mainly two things, transcription and the modification after the RNA. Translational modifications means the regulation of translation and the protein concentration there. देन पोस्ट ट्रांसलेशनल, जहाँ हम बात कर रहे थे प्रोटीन की डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, डिग्रेडेशन के लिए, प्रोसेसिंग की. तो 2 to 4 and 3 here, सिंथेसिस एंड मोडिफिकेशन ऑफ आरएनए. हियर सिंथेसिस एंड देयर मोडिफिकेशंस, डेस्टिनेशंस, हाफ लाइफ एंड नंबर ऑफ अदर थिंग्स. अगर आप सभी को देखेंगे, अगर मुझे प्रोटीन नहीं चाहिए या प्रोटीन पर्टिकुलर प्रोटीन्स की सिंथेसिस स्पेसिफिक अमाउंट में चाहिए, तो कहाँ पर मैं रेगुलेट करूँ? आई कैन रेगुलेट एट दिस लेवल और दिस लेवल और दिस लेवल. एनर्जी के हिसाब से विच वन इज द बेस्ट वे टू रेगुलेट द प्रोटीन सिंथेसिस? कैन एनीवन विल टेल मी? अगर आपके सेल्स में प्रोटीन के सिंथेसिस को रेगुलेट करना है तो कहाँ पे रेगुलेट करना सबसे ज़्यादा इफिशियंट होगा, अच्छा होगा सेल्स के लिए? एट दिस लेवल और एट दिस लेवल और एट दिस लेवल. Anyone can tell? क्वेश्चन समझ में आ गया कि मेरे पास डीएनए है, मुझे प्रोटीन बनाना है या नहीं बनाना है, या बनाना है तो कम अमाउंट में बनाना है, ज़्यादा अमाउंट में बनाना है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए मैं इस जगह पे रेगुलेट करूं या इस जगह पे रेगुलेट करूं या इस जगह पे रेगुलेट करूं। चलिए हम अलग अलग चीज़ों में देख लेते हैं। आप जवाब नहीं देना चाहते हैं। इफ़ यू आर गोइंग टू रेगुलेट एट दिस प्रोसेस हियर, कि मैंने प्रोटीन बना लिया बट मुझे प्रोटीन नहीं चाहिए सेल्स में, तो मैं रेगुलेट करूँगा मॉडिफिकेशंस के, प्रोटीन मॉडिफिकेशन के स्टेज पे। तो क्या होगा, आपको आरएनए बनाना पड़ेगा। प्रोटीन नहीं चाहिए लेकिन मैंने आरएनए बना लिया, आरएनए को मॉडिफाई कर लिया, उसके बाद हमने प्रोटीन भी बना लिया, तब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे प्रोटीन नहीं चाहिए। सो इफ़ यू आर गोइंग टू रेगुलेट एट दिस लेवल, so you have to synthesize RNA, you have to do the protein synthesis, you have to process both the RNA and the protein, and तब आप बोलेंगे कि मुझे प्रोटीन नहीं चाहिए, तो एनर्जी तो खर्चा होगा ना। तो इफ दिस इज नॉट एफिशिएंट वे टू रेगुलेट एट दिस लेवल। सिमिलरली इफ यू आर गोइंग टू रेगुलेट एट द ट्रांसलेशन लेवल, देन ऑल्सो आपको RNA बनाने पड़ेंगे, RNA को मॉडिफाई करने पड़ेंगे, प्रोसेस करने पड़ेंगे। सो दिस इज ऑल्सो नॉट द वेरी इफिशियंट, एनर्जी इफिशियंट प्रोसेस फॉर द सेल्स। तो व्हेन आई नीड टू रेगुलेट द प्रोटीन कंसंट्रेशन, मुझे प्रोटीन कंसंट्रेशन को रेगुलेट करना है या नहीं बनाना है या ज़्यादा बनाना है, सो आई नीड टू रेगुलेट एट दिस लेवल। सो दिस इज, मैं आरएनए ही नहीं बनाऊंगा। अगर मुझे प्रोटीन नहीं चाहिए तो मैं आरएनए नहीं बनाऊंगा, तो नहीं बनाऊंगा तो फिर तो जो एनर्जी यहाँ खर्चा होता था वो बच जाएगा, जो एनर्जी यहाँ स्पेंड होता था तो दैट विल बी सेव्ड। सो द मोस्ट रिसोर्स एफिशिएंट मेथड फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इज दी ट्रांसक्रिप्शनल कंट्रोल, जो हम यहाँ रेगुलेट कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इफिशियंट, जहाँ आप रिसोर्स भी बचाते हैं, एनर्जी भी बचाते हैं, सेल की इफिशियंसी भी बचाते हैं। एंड द लिस्ट इफिशियंट मेथड इज दिस मेथड, जहाँ आप सब कुछ खर्चा करते हैं तब जाके रेगुलेट करते हैं। इज इट क्लियर? फाइन। So whenever we are going to talk about the gene regulations, so I am going to talk about the most efficient way of gene regulation, that is the transcriptional regulations. So we are going to regulate the transcription. इसमें कुछ terms हम use करेंगे, जिस terms के बारे में मैं पहले बात करूँगा, that is first term is structural gene. अब what is structural gene? तो जीन का वो पार्ट जो आपको प्रोटीन देता है, जो आपको पॉलीपेप्टाइड बना के देता था, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन। फर्स्ट डिफिनेशन इज, हमने डिफिनेशन भी देखा था, मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाता हूँ अभी। तो स्ट्रक्चरल जीन आर दोज जीन्स विच नॉर्मली गिव्स यू द प्रोटीन्स, और प्रोटीन बना के देगा या मैसेंजर आरएनए बना के देगा, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल जीन। सेकेंड टर्म इज ओपेरॉन। मैं आता हूँ आगे, ये ओपेरॉन की कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये टर्म कैसे स्टार्ट हुआ। सो ओपेरॉन इज ए रेगुलेटेड क्लस्टर, क्लस्टर मीन्स ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स विद द रिलेटेड फंक्शंस। एक ग्रुप ऑफ जीन्स है, मान लीजिए जीन एक नंबर, फर्स्ट जीन, सेकेंड जीन, थर्ड जीन, फोर्थ जीन, ये चारों जीन एक तरह का जीन है जो एक तरह के फंक्शंस करते हैं, और चारों अगल बगल में एडजेसेंट हैं। तो चारों की रेगुलेशन जो होगी वो एक साथ होगी, इसकी एक्सप्रेशन भी एक साथ होगी, इसकी इनहिबिशन भी एक साथ होगी, सप्रेशन भी एक साथ होगी। तो दिस इज कॉल्ड एज वन ओपेरॉन। सो दिस इज ए रेगुलेटेड ग्रुप ऑफ एडजेसेंट स्ट्रक्चरल जीन्स। स्ट्रक्चरल जीन्स मीन्स जो आपको प्रोटीन बना के देगा विथ रिलेटेड फंक्शंस, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ फंक्शंस। अब इस सारे ओपेरॉन सिस्टम में सिंगल प्रमोटर रीजन होगा जो रेगुलेट करेगा इसको। तो एक इंजन होगा जो इस चारों जीन को रेगुलेट करेगा। सो ट्रांसक्रिप्शनल प्रोड्यूसेस ए सिंगल पॉलीसिस्टोनिक, अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो हमने बात की थी पॉलीसिस्टोनिक एंड मोनोसिस्टोनिक, कि जहां आपके पास मैसेंजर आरएनए एंड मेनी राइबोसोम्स आर गोइंग टू बाइंड देयर and it will give you many proteins, so this is called as polycystonic messenger RNA. so normally prokaryotes में ये system होता है। हमारे केस में ऐसा नहीं होता। हमारे केस में वी आर हैविंग सिंगल राइबोसोम्स विद द सिंगल मैसेंजर आरएनए, सो एक प्रोटीन बनाते हैं। सो दिस होल सिस्टम स्ट्रक्चरल जीन्स प्लस प्रमोटर रेगुलेटर रीजन्स आर कॉल्ड एज वन ओपेरॉन सिस्टम। ठीक है, अब पॉलीसिस्टोनिक मैसेंजर आरएनए जो मैंने आपको बता दिया कि ए लार्ज मैसेंजर आरएनए दैट इज ए ट्रांसक्रिप्ट ऑफ सेवरल जीन्स, मेनी जीन्स होगा, बहुत सारे प्रोटीन्स बनेंगे एक साथ। इट कंटेंट्स स्टॉप एंड स्टार्ट कोडॉन फॉर ट्रांसलेशन ऑफ ईच पॉलीपेप्टाइड्स। एक टर्म और है ऑपरेटर, ए सिंगल डीएनए बिटवीन द प्रोमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स। आपके पास एक जीन है, सो दिस इज माई स्ट्रक्चरल जीन्स 1 2 3 4, दिस इज दी प्रोमोटर जीन, एंड प्रोमोटर एंड स्ट्रक्चरल जीन्स के बीच में एक और जीन होगा जिसको बोलते हैं ऑपरेटर जीन, ओ जीन। So this is P, this is O, and this is structural genes. स्ट्रक्चर ऑपरेटर जीन्स का काम होता है कि इट वर्क्स एज स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। जो आपके घर में स्विच होता है तो उस तरह का ये काम करता है कि आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन करे या ना करे। प्रोमोटर का काम क्या होता है, इस पे आके आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा। सो पॉलीमरेज आरएनए, याद कीजिए हम बात क्या कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द आरएनए सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन को रेगुलेट करने की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमें आरएनए पॉलीमरेज चाहिए होगा। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स वी आर हैविंग ओनली वन आरएनए पॉलीमरेज जो सभी तरह के आरएनए बना के देता है। तो दैट आरएनए पॉलीमरेज कम्स एंड बाइंड्स टू दिस प्रोमोटर रीजन। याद कीजिए ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन वी हैव टॉक्ड अबाउट द प्रोमोटर रीजन, -35 -10 बेस पेयर सीक्वेंसेस, टाटा बॉक्स, प्रिब्नो बॉक्स, हॉगनेस बॉक्स। So RNA polymerase comes and binds here, and then this operator decides that it should be switch on or switch off. तो अगर ये switch on करेगा तो RNA polymerase will move further and give you the messenger RNA for these genes. अगर operator regions नहीं allow करता है तो RNA polymerase will not move and you will not get any gene product. So this is a basic example of a operon that we are going to call. This is a basically lac operon, lactose operon. इसमें x y z या दिस इज लैक ऑपरेन अगर आप देखेंगे तो इट इज हैविंग z y a जो हम बाद में देखेंगे। सो दिस इज अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू गेट प्रोटीन फ्रॉम दिस थ्री जीन्स। सो x y z गिव्स यू वन प्रोटीन फ्रॉम हियर, वन प्रोटीन फ्रॉम हियर एंड वन प्रोटीन फ्रॉम हियर। सो आउट ऑफ दिस होल सेगमेंट ऑफ जीन only this much fragment is going to give us protein. So वो portion gene का जो आपको protein बना के देता है उसको क्या बोलते हैं हमने, structural genes. So this is the structural gene of this particular gene. इसके बाद इधर का जो portion है that is called as regulatory region, control region, जिसमें तीन sites आप देख रहे होंगे। O region means operator regions जो structural and promoter regions के बीच में है, प्रोमोटर रीजन्स जहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, एंड आई दिस इज एक्चुअली रेगुलेटर प्रोटीन विच नॉर्मली गिव्स ए स्पेसिफिक काइंड ऑफ प्रोटीन, कभी एक्टिवेटर बना के देता है, कभी रिप्रेसर बना के देता है। सो दिस इज ए रेगुलेटरी प्रोटीन। सो दिस होल सिस्टम इज कॉल्ड एज ए ओपेरॉन। इज इट क्लियर? हेलो, संजीत, यू आर सर्टेन नॉट ऑडिबल टू मी। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। इज दिस क्लियर फॉर एवरीवन? If you have not understand anything, you can stop me. You can ask me. अगर आपको समझने में कहीं दिक्कत अभी तक तो पूछिए, बता दीजिए। I will repeat it. Sanjit, is it clear? टाइप करके चैट करके बता दीजिए, चैट में बता दीजिए, नो इशू। Fine, thank you. So in this case, we have a structural genes which normally gives us a protein. Then we are having controller genes or control genes or regulator genes which normally regulates. Ultimately, this is not part of your protein. So in the last, we will get a messenger RNA for these three genes only. But these three normally regulate the expression of these three genes. Express means these three protein messenger RNA productions will be decided by or will be regulated by these regions. So they are called as regulator genes. So they are having a regulator proteins I. Then we are having a promoter regions where normally RNA polymerase comes and bind, and we are having a operator regions which normally works as switch on and switch off. So this is similar things. Whenever we need to, if cells require a particular protein need to be formed, cells को किसी particular protein की ज़रूरत पड़ती है तो सबसे पहले उसे messenger RNA बनाना होगा, और messenger RNA बनाने के लिए जीन का expression करना होगा, जीन की को express करना होगा so that they will get the messenger RNA. इसके लिए RNA बनाने के लिए RNA polymerase bind करे promoter regions पे and then it will give you messenger RNA. ये बेसिक मैकेनिज्म है, ये आप जानते हो कि आरएनए पॉलीमरेज कम्स बाइंड्स टू द पी साइट एंड देन जीन विल बी एक्सप्रेस्ड. सो रेगुलेटरी जीन्स जो हमने आई जीन्स देखा था इन दोज सेगमेंट ऑफ जीन्स, समटाइम्स इट गिव्स यू रेगुलेटर और द रिप्रेशर. सो ए काइंड ऑफ रेगुलेटर मोलिकुल्स. आपके घर में पंखा का स्विच होता है, पंखे में एक रेगुलेटर लगा होता है, या अलग अलग जगह पर आपने रेगुलेटर देखा होगा. रेगुलेटर का काम दो तरह से होता है. When you require, you can speed the process. When you require, you can decrease the process. पंखा को तेज चलाना हो तो भी रेगुलेटर चाहिए, पंखा को कम चलाना हो, कम करना हो, स्पीड कम करना हो, देन ऑल्सो यू नीड रेगुलेटर प्रोटीन, रेगुलेटर जीन या रेगुलेटर सिस्टम. सो सिमिलरली हियर ऑल्सो रेगुलेटर जीन्स वर्क्स इन बोथ वे. इट इंक्रीजेज ऑल्सो एंड इट डिक्रीजेज ऑल्सो. आर ऑफन लोकेटेड एट सम डिस्टेंस. ये एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल जीन्स के जस्ट बगल में नहीं होता. पहले आपने देखा स्ट्रक्चरल जीन्स है, देन वी आर हैविंग ए ऑपरेटर, देन वी आर हैविंग ए प्रोमोटर एंड देन वी आर हैविंग ए रेगुलेटर जीन. तो रेगुलेटर जीन्स आर स्लाइटली प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द एक्चुअल ऑपरेटर या फिर एक्चुअल स्ट्रक्चरल जीन्स, एंड दीज आर इन्वॉल्व इन स्विचिंग ऑन एंड ऑफ ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. ये दो चीज़ें आप याद रखिए. अब the product of that structural gene is called as one kind of its product is repressor. So repressor is repress करने को हम बोलते हैं कि दबाना, दबाना मतलब इसकी slow down करना. So it is repressors are the specific protein which binds to the operator region and blocks transcription. तो मान लीजिए इस केस में कि यहाँ पे आई जीन है और इसने एक रिप्रेसर बना के दिया मुझे, रिप्रेसर आर. सो दिस रिप्रेसर विल गो एंड बाइंड टू दी ओ साइट. ये ओ साइट है, ऑपरेटर साइट है. सो अगर मुझे प्रोटीन नहीं बनाना या मैसेंजर आरएनए स्टॉप करना है, मुझे इसकी मैसेंजर आरएनए नहीं चाहिए, इसकी प्रोटीन नहीं चाहिए, तो क्या होगा? दिस आई जीन विल गिव मी आर रेगुलेटर रिप्रेसर. दिस रिप्रेसर विल गो एंड बाइंड टू दिस ओ ऑपरेटर प्लेस. इससे क्या होगा? आरएनए पॉलीमरेज यहाँ बाइंड तो करेगा बट आरएनए पॉलीमरेज कैन नॉट मूव फर्दर बिकॉज हियर दे आर हैविंग स्पीड ब्रेकर. सो जब आरएनए पॉलीमरेज जाएगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं, या आरएनए पॉलीमरेज इज नॉट एबल टू बाइंड देयर, सो प्रोटीन प्रोडक्ट, जीन प्रोडक्ट विल नॉट फॉर्म. सो रिप्रेसर नॉर्मली डिक्रीजेज द एक्सप्रेशन ऑफ ए सर्टेन जीन्स. इट इज ए प्रोटीन विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द रेगुलेटेड जीन्स and binds to the operator site and blocks the or stops or slow down the transcription of a certain genes. This blocks attachment of RNA polymerase to the promoter region. So RNA polymerase को bind ही नहीं करने देगा. This repressors are encoded by the regulatory genes जो हमने देखा था behind the promoter region. तो यहाँ मैंने जैसे ही बताया आपको if this is the I gene which gives me a repressor proteins, so repressor protein comes and bind to the I regions operator, sorry, O region operator regions. RNA polymerase may not bind here or may not move further, so ultimately no transcription will be there and no messenger RNA will be formed. So this is the function of repressor. But remember, this repressor need to be active. जरूरी नहीं है कि हमेशा ये रिप्रेसर फंक्शनल ही हो, समटाइम इसको एक्टिवेट करना पड़ेगा, कभी ये एक्टिवेट ऑलरेडी रहेगा. तो यू नीड ए एक्टिव रिप्रेसर सो दैट इट विल बाइंड हियर. इनएक्टिव रिप्रेसर कभी बाइंड नहीं करेगा, आपको एक्टिव रिप्रेसर चाहिए. ठीक है, ये इज इट क्लियर? यस, यू पीपल आर नॉट ऑडिबल टू मी. I don't know why. Maybe I have to restart the laptop, so we can do, I can do later on. No issue. You can type in the chat box. दिक्कत हो जाए तो वो बता दीजिए मुझे, कोई इशू नहीं. Then we are having a similar product which is called as activator. This is just opposite to the repressor. जैसे रिप्रेसर का काम हमने देखा कि रिप्रेसर आपके आरएनए एक्सप्रेशन को, आरएनए सिंथेसिस को या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को स्लो डाउन कर रहा था. दीज एक्टिवेटर्स नॉर्मली इंक्रीजेज दी जीन एक्सप्रेशन, इंक्रीजेज दी आरएनए प्रोडक्ट फॉर्मेशन. तो एक्टिवेटर नॉर्मली इंक्रीजेज दी बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज हियर. सो आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड वेरी टाइटली और मोर इफिशियंटली एंड अल्टीमेटली जरूरत जितनी जीन पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती थी बिना एक्टिवेटर के, उससे ज़्यादा जीन के एक्सप्रेशन होगा. सो एक्टिवेटर इनक्रीजेज द जीन एक्सप्रेशन एंड रिप्रेशर नॉर्मली इनएक्टिवेट द जीन एक्सप्रेशन, स्लो डाउन करता था. सिमिलरली एक्टिवेटर भी आपको चाहिए एक्टिव मोड में. जब आपका एक्टिवेटर होगा बट वो एक्टिवेटर ऑन नहीं रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, तो इट विल नॉट वर्क. So whenever you need a repressor or activator, it need to be in the active mode. तो जैसे इस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो you are having activator but it is in off mode. So switched off or inactive activator does not bind to this DNA. DNA पे bind नहीं करेगा तो काम अपना नहीं कर पाएगा, तो आपका normal gene expression होगा. But sometime this activator can be activated by some chemical compounds, some chemical molecules. So this off becomes on, and when this activator will be switched on, it will be activated, it will able to bind and gene expression will be increased. This is a rough diagram of system, how it is going to happen. वी आर हैविंग टू पिक्चर. अगर आप दोनों पिक्चर को इस बार मैं डिवाइड कर देता हूँ, दिस इज प्रोकैरियोटिक सिस्टम, दिस इज यूकैरियोटिक सिस्टम. आप जानते हैं कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सिस्टम वी डोंट हैव न्यूक्लियोजोम मॉडल, वी डोंट हैव हिस्टोन्स, वी डोंट हैव न्यूक्लियोजोम्स. सो देयर डीएनए आर नॉर्मली नेकेड. नेकेड मीन्स विदाउट एनी हिस्टोन्स, इट इज फ्रीली अवेलेबल. सो इन दैट केस नॉर्मली ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशंस इज थ्रू एक्टिवेटर प्रोटीन्स, रिप्रेसर प्रोटीन्स. सो नॉर्मली एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर्स दो तरह के प्रोटीन्स होते हैं जो इसको रेगुलेट करते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स. जबकि हमारे केस में जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशंस ना एक्टिवेटर इन रिप्रेसर के बदले में दूसरे लेवल पे ज़्यादा होती है. हिस्टोन को मॉडिफाई कर दिया, हिस्टोन में मिथाइल ग्रुप ऐड कर दिया, हिस्टोन में एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया. तो हमारे में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स या मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन्स को उस तरह से हम रेगुलेट करते हैं इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सिस्टम. Prokaryotic regulator systems are normally through the activator or suppressor proteins. ठीक है. So when there is a activator proteins, you can call it positive regulations. When there will be repressor proteins, you can call it negative regulations. मैं आता हूँ positive negative regulation पे. I am coming in details. So this is basic difference between how prokaryotic systems are going to be regulated and how eukaryotic systems are going to be regulated. But मेरी जो most of the informations होती है that is based on the prokaryotic system. तो इसीलिए इसको हम ज़्यादा focus करके पढ़ते हैं. So our more focuses will be on prokaryotic system only. अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है co-repressor के. Later on we will say co-repressor एक मेटाबोलाइट्स होता है. मेटाबोलाइट मीन्स मेटाबॉलिक प्रोसेस का प्रोडक्ट होता है जो रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है। को मीन्स टुगेदर, रिप्रेसर मीन्स ए प्रोटीन विच इनएक्टिवेट। सो को रिप्रेसर इज ए मोलिक्यूल्स और केमिकल्स और मेटाबोलाइट प्रोडक्ट विच बाइंड्स विद द रिप्रेसर एंड causing the repression into the active conformation। जो रिप्रेसर, मैंने बोला कि रिप्रेसर हमें एक्टिव मोड में चाहिए, तो मान लीजिए ये मेरा रिप्रेसर मोलिक्यूल्स है, दिस इज इनएक्टिव नाउ। सो वंस ए को रिप्रेसर विल बाइंड विद दिस वन, सो दिस इज को रिप्रेसर, दिस इज रिप्रेसर। सो दिस रिप्रेसर वाज इनएक्टिव बिकॉज को रिप्रेसर इज नॉट देयर। वंस दिस रिप्रेसर बाइंड्स विद ए को रिप्रेसर मोलिक्यूल्स, दिस बिकम्स एक्टिव। सो द आप डेफिनेशन अगर आपको लिखना है तो को रिप्रेसर इज ए मेटाबॉलिक प्रोडक्ट, मेटाबोलाइट्स, ए केमिकल विच बाइंड विद द रिप्रेसर एंड मेक देम एक्टिव। वंस रिप्रेसर बिकम्स एक्टिव, इट इज गोइंग टू बाइंड टू द ओ साइट, ओ रीजन ऑफ द जीन्स एंड अल्टीमेटली स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। क्लियर? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट जीन एक्सप्रेशन, इसमें टर्म्स का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। आप किस टर्म्स को कैसे समझते हैं, अभी तो हमने सिर्फ कम टर्म्स यूज किया है, आगे अभी और टर्म्स आएंगे थोड़े, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दोज टर्म्स वर्ड्स वेरी केयरफुली। अब when we are having a repressor along with co-repressor, so repressor inactive mode में था, co-repressor binds and make repressor active, so repressor co-repressor complex can attach to the operator and switch off the operon system, no protein expression will be there। अब जब हम इतना तक तो रेगुलेशन देखा, ये बेसिक रेगुलेशन हमने देखा, अब इसमें हम रेगुलेटरी सिस्टम्स को दो तरह से रेगुलेट कर सकते हैं, मतलब टोटल हमारे पास चार तरह के रेगुलेशंस होंगे। एक होगा रिप्रेसेबल, एक होगा इंड्यूसेबल, एक होगा पॉजिटिव, एक होगा नेगेटिव। हमने पॉजिटिव नेगेटिव के लिए आपको थोड़ा सा हिंट दिया था। पॉजिटिव रेगुलेशन इज दोज रेगुलेशंस, दोज जीन एक्सप्रेशंस व्हेन इट्स एक्सप्रेशन इज इंक्रीज्ड बाय ए सर्टेन प्रोटीन्स, ए रेगुलेटर एलिमेंट, जिसको मैंने एक्टिवेटर बोला था। तो जब आप एक्टिवेटर यूज करेंगे जो आपकी जीन एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है, तो वहाँ हम बोलते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। यहाँ हमने चूंकि नेगेटिव लिखा है ना, इसीलिए मैं बात कर रहा था कि वेयर यू आर गोइंग टू यूज ए रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स, जो आपकी जीन एक्सप्रेशन को कम करे, तो उसको मैं बोलूँगा नेगेटिव कंट्रोल और नेगेटिव रेगुलेशन। सो पॉजिटिव मीन्स वी आर गोइंग टू यूज ए एक्टिवेटर प्रोटीन विच एक्टिवेट। When we are going to talk about negative control, negative regulations means हम एक ऐसा molecule, ऐसा protein यूज करेंगे जो gene expression को कम कर दे। तो दो तरह की चीज़ें, repressor और inducible, repressible और inducible, ठीक है। Repressible enzymes या repressible gene products जिसकी synthesis inhibit हो by a metabolite, हमने एक केमिकल मॉलिक्यूल्स से उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट किया जा सके, तो उसको बोलते हैं रिप्रेसेबल नेगेटिव कंट्रोल। मैं डिटेल आपको पिक्चर के साथ दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ट्रिप्टोफान, दिस रिप्रेसेबल सिस्टम नॉर्मली मोस्ट ऑफ द केसेस इट वर्क्स फॉर एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस मीन्स सिंथेटिक प्रोसेस, वेयर यू आर गोइंग टू सिंथेसाइज समथिंग, जब हम कुछ बनाने लगते हैं। एंड दूसरा प्रोसेस होता है कैटाबॉलिक, जहां आप किसी चीज़ को डिग्रेड करते हैं। तो ट्रिप्टोफान ओपेरॉन इज दी फॉर द सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड, तो दिस इज एनाबॉलिक प्रोसेस। तो ट्रिप्टोफान ओपेरॉन को, दैट इज को, इसको हम बोलते हैं ट्रिप ओपेरॉन। देयर द रेगुलेशन ऑफ ट्रिप्टोफान एंजाइम सिंथेसिस, इसको बनाने के लिए जो भी एंजाइम चाहिए उसको रेगुलेट करने के लिए हमें एक ना एक मेटाबोलाइट प्रोडक्ट चाहिए होता है। So that is called as repressible enzyme. Similarly inducible, repressible means slow down करना, inducible means activate करना। अब वो जीन जिसकी सिंथेसिस को हम स्टिमुलेट करें, इंक्रीज कर दें किसी स्पेसिफिक मेटाबोलाइट से, कि आपके पास एक सेल है, मान लीजिए दो सेल की मैं बात कर रहा हूँ, कि इस सेल में ट्रिप्टोफान पहले से है। अगर ट्रिप्टोफान पहले से है तो ये सेल में ट्रिप ओपेरॉन का भी एक काम नहीं करेगा, ट्रिप ओपेरॉन विल बी इनएक्टिवेटेड। अब इसको मैं इस तरह से दिखाता हूँ आपको, जस्ट एक सेकेंड। दिस इज अ सेल, दिस इज अनोदर सेल। इन दिस केस सेल इज हैविंग ट्रिप्टोफान। अब ये ट्रिप ओपेरॉन है, दिस इज ए TRP ओपेरॉन। इस ओपेरॉन का काम है कि ये आपको 5 एंजाइम बना के देता है। वो 5 एंजाइम का काम क्या होता है? अल्टीमेटली वो ट्रिप्टोफान बनाता है। सो दिस ट्रिप ओपेरॉन फॉर दिस सिंथेसिस ऑफ ट्रिप्टोफान। तो आपको ट्रिप्टोफान बनेगा अगर ये जीन प्रोडक्ट होगा तो। जब सेल के पास ट्रिप्टोफान ऑलरेडी है तो सेल कभी भी इस जीन को एक्सप्रेस नहीं करेगा। सेल के पास ट्रिप्टोफान है तो नया ट्रिप्टोफान बनाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेल ऑलरेडी हैव ट्रिप्टोफान। ठीक है, तो इस जीन की एक्सप्रेशन इनहिबिट हो जाती है। तो वो जीन उस तरह का रेगुलेशन सिस्टम्स जहाँ एक केमिकल कंपाउंड या मेटाबोलाइट हो और वो उस जीन की एक्सप्रेशन को स्टॉप कर दे, स्लो डाउन कर दे, बंद कर दे, तो उसको बोलते हैं रिप्रेसेबल एंजाइम्स। सो दीज एंजाइम्स आर रिप्रेसेबल एंजाइम्स और दिस इज रिप्रेसेबल कंट्रोल बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफान इनहिबिट दिस एक्सप्रेशन। अब दूसरे केस पे आते हैं। ये एक दूसरा सेल है, दूसरा बैक्टीरिया है जहां लैक्टोज है। अब लैक ओपेरॉन जो है, दिस इज ए लैक ओपेरॉन विच गिव्स मी 3 डिफरेंट जीन्स, 3 डिफरेंट प्रोटीन बनाता है। अब इस एंजाइम का काम होता है कि ये लैक्टोज को मेटाबोलाइज करता है, लैक्टोज को डिग्रेड करता है, मेटाबोलाइज करता है। तो अगर सेल के पास लैक्टोज होगा तभी तो मेटाबोलाइज करने की जरूरत पड़ेगी। तो जब सेल के पास लैक्टोज होगा तो इसकी एक्सप्रेशन बढ़ जाएगी, ये प्रोटीन बना के देगा, तो जीन एक्टिवेट हो जाता है। मेटाबोलाइट प्रेजेंस हो तो जीन की एक्सप्रेशन बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं इंड्यूसिबल, इंड्यूस करना, एक्टिवेट करना, इंड्यूसिबल। कि प्रेजेंस ऑफ ए मेटाबोलाइट इंक्रीजेज द एक्सप्रेशन ऑफ ए पर्टिकुलर जीन इज कॉल्ड एज इंड्यूसिबल ओपेरॉन। बिकॉज जब लैक्टोज होगा तभी तो उसको मेटाबोलाइज करेंगे, अगर लैक्टोज सेल में हाई नहीं तो मेटाबोलाइज करने की जरूरत नहीं, तो इसकी जीन की जरूरत नहीं है। तो व्हेन लैक्टोज इज देयर जीन विल बी एक्टिवेटेड। इस केस में ट्रिप्टोफान बनाने के लिए था, दिस इज फॉर सिंथेटिक प्रोसेस। सो दिस इज कॉल्ड एज एनाबॉलिक प्रोसेस, एनाबॉलिक। सो नॉर्मली रिप्रेसेबल एंजाइम प्रेजेंट इन द एनाबॉलिक प्रोसेस, सिंथेटिक प्रोसेस जहां प्रेजेंस ऑफ ए मेटाबोलाइट इनहिबिट द प्रोसेस। और ये था डिग्रेडेशन, लैक्टोज मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो दिस इज फॉर द डिग्रेडेशन मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो दिस इज इंड्यूसिबल ओपेरॉन। इज इट क्लियर? रिप्रेसेबल एंड इंड्यूसिबल ओपेरॉन या सिस्टम या एंजाइम्स। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? फाइन। सो दिस इज दो थिंग्स ओनली जो हमने अभी बात करी थी। देयर जीन्स आर स्विच्ड ऑन, रिप्रेसेबल की बात कर रही हैं, तो देयर जीन्स आर स्विच्ड ऑन अंटिल ए स्पेसिफिक मेटाबोलाइट एक्टिवेट द रिप्रेसर, जनरली फंक्शन इन द एनाबॉलिक प्रोसेस एंड पाथवे एंड स्विचेज ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट बाय रिप्रेसिंग एंजाइम। जैसे ट्रिप्टोफान अगर है तो वही स्विच ऑफ करेगा सिस्टम को, अगर ट्रिप्टोफान है तो सिस्टम विल बी स्विच ऑफ। इस केस में स्विच ऑफ करता है, इस केस में स्विच ऑन करता है। दिस इज फॉर कैटाबॉलिक डिग्रेडेटिव पाथवे एंड हियर द पर्टिकुलर मेटाबोलाइट स्विच ऑन द सिस्टम। So this is inducible and this is repressible enzymes. So this is catabolic and this is biosynthetic or anabolic, या you can call it inducible. तो जो हमने अभी बात करी थी सेम चीजें यहाँ हैं। इस टेबल को हम बाद में समझेंगे, वंस वी विल फिनिश ऑल दी बेसिक डिफिनीशंस, तब हम बात करेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि हमने पॉजिटिव कंट्रोल की बात करी। तो पॉजिटिव कंट्रोल हमने किसको बोला था? कि जहाँ हमारे पास एक एक्टिवेटर कंपाउंड हो। सो इन केस ऑफ पॉजिटिव कंट्रोल नॉर्मली ओपेरॉन जो होता है अगर एक्टिवेटर होगा तो क्या होगा? जीन की एक्सप्रेशन होगी। तो व्हेन ए रेगुलेटर प्रोटीन्स In case of positive control, the regulator protein is activator. तो जब activator होगा तो proton genes will be switched on. And regulator protein है क्या? It is activator. ठीक है, अगर मैं इस एक्टिवेटर के जीन को मॉडिफाई कर दूं तो एक्टिवेटर नहीं है या एक्टिव एक्टिवेटर नहीं है तो ओपेरॉन विल बी स्विच ऑफ. सिमिलरली इन द नेगेटिव कंट्रोल द रेगुलेटरी प्रोटीन इज सप्रेशर मॉलिक्यूल या रिप्रेशर मॉलिक्यूल. सप्रेशर या रिप्रेशर. व्हेन दिस रिप्रेशर और सप्रेशर और रेगुलेटरी प्रोटीन विल बी प्रेजेंट, इन दैट केस ओपेरॉन विल बी स्विच ऑफ. जब आप इसको इनएक्टिवेट कर देंगे तो ओपेरॉन विल बी स्विच ऑन. अगर आप इफ यू हैव अंडरस्टैंड पॉजिटिव कंट्रोल एंड नेगेटिव कंट्रोल, इन केस ऑफ पॉजिटिव कंट्रोल वी आर हैविंग ए स्ट्रक्चरल जीन. आपके पास एक रेगुलेटर प्रोटीन था. रेगुलेटर प्रोटीन इज एक्टिवेटर विच इनक्रीजेज द आरएनए पॉलीमराइजेशन हियर, आरएनए पॉलीमराइज बाइंडिंग हियर एंड अल्टीमेटली जीन प्रोडक्ट विल बी मोर. तो एक्टिवेटर इज द रेगुलेटर प्रोटीन्स. जब एक्टिवेटर होगा तो स्विच ऑन होगा, ऑपरेंट काम करता रहेगा. अगर इसको मॉडिफाई कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा. निगेटिव में दिस एक्टिवेटर इज रिप्रेशर मॉलिक्यूल्स. अगर रिप्रेशर होगा तो ऑपरेंट काम नहीं करेगा. रिप्रेशर को इनएक्टिवेट कर देंगे तो ऑपरेंट विल बी स्विच ऑन. सो दिस इज फॉर द पॉजिटिव नेगेटिव. अब हमारे पास दूसरा है इंड्यूसिबल एंड रिप्रेसेबल. इन केस ऑफ इंड्यूसिबल में जो हमने लैक्टोज के केस में देखा था कि अगर आपके पास मेटाबोलाइट हैं, मेटाबोलाइट मीन्स लैक्टोज हैं, तो जीन विल बी स्विच ऑन. एग्जाम्पल इज लैक्टोज. इन केस ऑफ रिप्रेसेबल जो हमने ट्रिप्टोफान के केस में देखा था, अगर मेटाबोलाइट हो मतलब ट्रिप्टोफान हो तो जीन विल बी स्विच ऑफ. सो दिस इज जस्ट टू मेक यू वट एवर वी हैव डन टिल नाउ, उसको समराइज करने के लिए. अब नाउ आई एम गोइंग टू मीन्स कंबाइन डिफरेंट टर्म्स. सो वन टर्म वी हैव यूज जीन रेगुलेशंस. वी हैव टू टाइप्स, पॉजिटिव रेगुलेशंस एंड नेगेटिव रेगुलेशंस. तो बेसिकली फर्स्ट समझ लीजिए पॉजिटिव रेगुलेशंस इन डिटेल्स क्या होता है एंड देन वी विल टॉक अबाउट कंबाइनिंग द टू वर्ड्स. सो वन बाय वन. सो इन केस ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशंस आपने किया है ये सारे अभी तक. The effector molecules, that is a activator, and which activate the promoter for transcription. In this case, positive gene regulation is one in which gene remains non-expressed unless or until they are induced for it. आपके पास gene है, जब तक inducer molecules नहीं है, activator नहीं है, gene protein नहीं देगा. So you need a particular protein components which induces this gene expression. आपको इस जीन को एक्टिवेट करना है फॉर द प्रोडक्शन. एंड दिस पॉजिटिव रेगुलेशंस नॉर्मली वर्क्स इन केस ऑफ डिग्रेडेटिव सिस्टम, कैटाबॉलिक सिस्टम्स, जो हम ही आपने देखा था अभी. इट इज इन डिग्रेडेटिव सिस्टम आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव मैकेनिज्म मे ऑपरेट्स व्हाइल इन बायोसिंथेटिक प्रोसेस नेगेटिव मैकेनिज्म ऑपरेट्स. Therefore, it is called as inducible because it induces. Here, a product removes the biochemical that keeps the gene in non-functional state. हम details देखते हैं अभी, just एक second. Similarly, in case of negative regulations, we are going to have a inhibitor molecules which we are going to call repressor molecules. When this repressor is present, the cell system that prevent the transcription process and it is called as repressor. For initiation of transcription, we require repressor should be. आपके पास एक जीन है और यहाँ हमारे पास repressor molecule है. तो if you are having repressor, the gene product will not form because repressor is active और ये bind करेगा यहाँ पे, तो आपका gene नहीं बनने देगा. तो हमको क्या चाहिए? We require a inducer molecules. We require a components which inactivate this one. अगर मैं किसी तरह से इसको inactivate कर दूँ, so it will not able to bind here. तो वी रिक्वायर ए इंड्यूसर विच इनएक्टिवेट दिस रिप्रेसर. अगर रिप्रेसर काम कर रहा है तो इट विल बाइंड हियर एंड जीन विल बी नॉन ट्रांसक्राइब्ड. बिकॉज ऑफ दिस इंड्यूसर इफ दिस विल बी इनएक्टिवेटेड, जैसे आप ऐसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं आपको फर्दर एग्जाम्पल ही देता हूँ. इन केस ऑफ लैक्टोज दिस इज ZYA. So we are having a repressor molecules. So when you don't have anything, in that case this repressor will bind here and इसका प्रोडक्ट नहीं बनता है हमारे केस में. तो लैक ओपरन के केस में हमें क्या चाहिए, हमें एक इंड्यूसर मोलिक्यूल चाहिए जिसको हम बोलते हैं येलो लैक्टोज, जो लैक्टोज का ही दूसरा फॉर्म है येलो लैक्टोज. ये येलो लैक्टोज बाइंड करता है रिप्रेसर से और रिप्रेसर को केमिकल कॉन्फॉर्मेशन चेंज करता है, स्ट्रक्चर चेंज करता है, सो दैट रिप्रेसर विल नॉट बी एक्टिव. तो जब येलो लैक्टोज बाइंड्स करता है रिप्रेसर के साथ तो रिप्रेसर बाइंड नहीं कर पाएगा यहाँ. एंड वंस रिप्रेसर विल नॉट बाइंड देयर, then RNA polymerase will bind here and gene expression takes place. So this yellow lactose is called as inducer. So in case of negative regulations we require a inducer which inactivate the repressor. ठीक है, यहाँ तक. So this is positive and this is negative. In case of positive regulations we need a activator, which once this activator will be there, transcription will takes place. When you don't have activator, no transcription will be there. This is simple definition. In case of negative regulations, when you are having a repressor, no transcription will be there. If you are having a repressor and it binds with inducer molecules, it will be inactivated and transcription will takes place. So either you don't have repressor or you are having inactive repressor, then transcription takes place. So this is just a positive and negative regulations. This is the same description for the process. So total we have seen 4 different terms: repressible, inducible, positive and negative. अब मैं समराइज कर दूं आपको. तो इन केस ऑफ पॉजिटिव वी हैड ए इफेक्टर मोलिक्यूल्स, दैट इज एक्टिवेटर मोलिक्यूल, विच इंक्रीजेज द जीन एक्सप्रेशन. इन केस ऑफ नेगेटिव रेगुलेशंस वी आर हैविंग ए रिप्रेसर मोलिक्यूल्स विच डिक्रीजेज द जीन एक्सप्रेशन. रिप्रेसेबल एंजाइम्स इज व्हेन a product presence of a certain metabolites normally decreases or stops the gene expression. They say tryptophan. That is, it is going to be switched on. When tryptophan will be there, this will be switched off. And inducible will be when a particular metabolite will be there, like lactose, it will be switched on. So ये 4 definition हमने पढ़ा है अभी तक: repressible, inducible, positive and negative. ठीक है, दिस 4 डिफिनेशंस यू आर, इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन इन दिस 4 डिफिनेशंस? नो. सो अब हम इस सारे को मिला के बना रहे हैं 4 तरह के रेगुलेशंस. सो वी हैड ए जीन रेगुलेशंस विच कैन बी पॉजिटिव, विच कैन बी नेगेटिव. पॉजिटिव मीन्स हमारे पास एक्टिवेटर मोलिक्यूल्स हैं, ये आप समझते हैं. नेगेटिव मीन्स वी आर हैविंग ए रिप्रेसर मोलिक्यूल्स. व्हेन वी आर हैविंग एक्टिवेटर मोलिक्यूल्स इट कैन बी इंड्यूसिबल और इट कैन बी रिप्रेसेबल. सो वी आर हैविंग positive inducible, positive repressible. Similarly, negative inducible, negative repressible. So total we are having 4 different type of gene expressions: positive inducible, positive repressible, negative inducible, negative repressible. अब इस 4 को मैं समझने की कोशिश करते हैं आज. That is our task for today. So first, negative inducible operon. हम एक एक करके समझते हैं. इसमें 2 तरह के टर्म्स हैं हमारे पास. अगर आप देखें तो 3 टर्म्स हैं. एक तो नेगेटिव. नेगेटिव मीन्स वी नीड ए, क्या होना चाहिए हमारे पास? In case of negative, what product we required? Because when we are talking about negative, we require a repressible molecules, repressor molecules. हमारे पास एक repressor होना चाहिए, ठीक है। और inducible means gene activator. तो हमारे gene को induce करना है but in the presence of a repressor molecule. So we need a repressor molecules but जीन शुड बी एक्टिवेटेड. तो रिप्रेसर भी हो और जीन एक्टिवेट भी हो जाए, सो दैट वी आर गोइंग टू डू इट, ठीक है। एंड इट इज ए ऑपरेन सिस्टम. सो तीनों टर्म्स का मतलब अगर आप समझ गए तो यू आर ऑलमोस्ट देयर. सो इन नेगेटिव इंड्यूसिबल ऑपरॉन्स वी रिक्वायर ए रेगुलेटरी रिप्रेसर प्रोटीन्स विच बॉन्ड टू द ऑपरेटर साइट which prevent the transcription. अगर मैं natural normal system की बात करूँ तो we are having operon system. In this case, this is my structural gene. We are having a repressor molecules. So repressor bind to this O site. So this is repressor bind to the O site. And when repressor binds there, normally genes are inactivated. ये natural होता है. But अकॉर्डिंग टू दिस डिफिनेशंस आई नीड टू मेक इट इंड्यूसिबल. हमें इंड्यूसिबल कैसे करेंगे? तो वी हाउ टू इंड्यूस, हाउ दिस जीन विल बी एक्सप्रेस्ड, सो दैट यू हैव टू मेक, इसके लिए आपको इस आर को इनएक्टिवेट करना पड़ेगा. तो हम क्या करेंगे? वी आर हैविंग ए स्ट्रक्चरल जीन, वी आर हैविंग आर मोलिक्यूल्स दैट इज रिप्रेशर. इस आर को मुझे इनएक्टिवेट करना पड़ेगा सो दैट दिस जीन विल बी इंड्यूस्ड. मुझे दिस इज नेगेटिव रेगुलेशन बट आई नीड टू एक्टिवेट दिस जीन, आई नीड टू मेक इट इंड्यूसिबल. सो हाउ टू मेक इंड्यूसिबल? आई हैव टू इनएक्टिवेट दिस आर. आर को इनएक्टिवेट करने के लिए हमने क्या चाहिए था? दैट इज ए इंड्यूसर मोलिक्यूल. सो वी रिक्वायर ए इंड्यूसर विच बाइंड्स विद दिस आर, मेक देम इनएक्टिव एंड देन दिस जीन विल बी एक्सप्रेस्ड. सो दिस इज कॉल्ड एज प्रेजेंस ऑफ ए रिप्रेशर मोलिक्यूल्स but gene should be expressed, gene should be inducible. So if an inducer molecule is present, it binds to the repressor and changes its conformation so that it will unable to bind to the operator and gene will be expressed. Lactose operon इसी तरह से काम करता है. So lac operon और lactose operon is a negative controlled inducible operon. याद रखिए, where a inducer molecule is LO lactose. Negative inducible operon is clear for everyone. Negative means we require a repressor molecules and purpose is it should be inducible. तो how in the repressor के presence में repressor होते हुए भी how gene will be inducible. तो मुझे इस repressor को inactivate करना है. So how it will be inactivated? In the presence of inducer. So this inducer makes them inactive and gene will be expressed. Is it clear? So this is, if you'll see here, normally in a normal circumstances we are having a active repressor molecules. This active repressor molecules comes and bind to this operator site. So when this repressor will bind there, RNA polymerase cannot bind here. So no RNA polymerase binding and gene transcription is switch off. But my gene is inducible. So what will happen? Inducer will comes and it will bind to the repressor and make this repressor inactive. तो जब ये repressor काम करना बंद कर देगा, ये inactive हो गया, तो now this is not able to bind to this particular site. So when repressor will not bind there, RNA polymerase can bind here. दोनों में से एक ही बाइंड करेगा. एंड व्हेन आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड, ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस. सो दिस इज कॉल्ड एज नेगेटिव इंड्यूसिबल. सो उसी को डिटेल्स में लिखा हुआ है. okay, you are having a regulator genes which normally gives you a regulator proteins, repressor proteins. This regulator proteins is a repressor molecules which binds to the operator and prevent transcription of the structural genes. So this will bind here and stop this process. So in the case of negative inducible operation, when you don't have any inducer, transcription will be switch off, no transcription. When inducer is there, so inducer comes and it binds to this one, make them inactive. So when an inducer is present, it binds to the regulator, make them inactive, make them unable to bind to this site, and RNA polymerase will bind and gene will be expressed. So this is called as negative because repressor molecule is there, and inducible because we require a inducer molecules, so that induces it. So in the lactose, this is the lactose operon, where this is the lactose utilization gene. So I need to express these three genes. So we are having a active repressor molecules. So normally this active regulator binds here and make them inactive. Gene will not be expressed. But when allo lactose will be there, allo lactose binds here and make them inactive, so that then gene will be expressed. Second system is negative repressible. Negative means again we require a repressor molecules and it will be repressible. So here repressor proteins are produced by a regulator gene, but these repressors are not active. In this case, in case of negative inducible, when regulator genes gives you a product, that product is the active repressor. ये सब बेस छोटी छोटी चीजें हैं. These are the small things. The first product which you get from the regulatory genes, that is the active repressor, जिसको मुझे inactive करना होता है. In case of negative inducible regulations, we should have active repressor which need to be make inactive. इस active को मुझे inactive बनाना है. जबकि नेगेटिव रिप्रेसेबल में मेरे पास इनएक्टिव रिप्रेसर है जिसको मुझे एक्टिव बनाना होता है. सो इन दिस केस वी आर हैविंग ए रेगुलेटर जीन्स विच गिव्स यू ए रिप्रेसर प्रोटीन्स, बट दिस रिप्रेसर प्रोटीन्स आर इनएक्टिव. सो हियर वी रिक्वायर ए को रिप्रेसर मॉलिक्यूल्स विच बाइंड्स विद द रिप्रेसर एंड मेक देम एक्टिव, सो दैट रिप्रेसर विल गो एंड बाइंड देयर. तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन विच केस वी रिक्वायर ए इंड्यूसर मोलिक्यूल्स, इट इज नेगेटिव रिप्रेसेबल और नेगेटिव इंड्यूसिबल. सो इंड्यूसर मोलिक्यूल्स वी रिक्वायर इन केस ऑफ नेगेटिव इंड्यूसिबल. इन विच केस वी रिक्वायर को रिप्रेसर, इट इज नेगेटिव इंड्यूसिबल और नेगेटिव रिप्रेसेबल. तो को रिप्रेसर वी रिक्वायर इन केस ऑफ नेगेटिव रिप्रेसेबल ऑपरेंड. So once repressor will be activated, it will come and bind to the genes and make them inactive. So no expression takes place. Tryptophan operon is this type of operon, which is negative repressible operon. So in case of negative repressible, you are going to have a repressor molecules, but this repressor molecule is inactive. Natural state में it is not able to bind here. तो जब ये बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड देयर एंड ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस. बट बिकॉज इट इज रिप्रेसेबल, सो वी नीड ए कंपोनेंट विच इज कॉल्ड एज को रिप्रेसर विच मेक्स देम दिस रिप्रेसेबल इनएक्टिव. इस रिप्रेसर मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करेगा. सो वंस इट विल बी एक्टिवेटेड, इट विल बाइंड देयर एंड ट्रांसक्रिप्शन विल बी स्टॉप्ड. सो बेसिक डिफिनेशन अगर आपको देखना है, इन केस ऑफ नेगेटिव, अगर मैं ऐसे डिफरेंस दिखा दूँ तो इन केस ऑफ नेगेटिव इंड्यूसिबल एंड नेगेटिव रिप्रेसेबल. इन केस ऑफ नेगेटिव इंड्यूसिबल वी रिक्वायर ए इंड्यूसर मोलिक्यूल. इन केस ऑफ नेगेटिव रिप्रेसेबल वी रिक्वायर ए को रिप्रेसर मोलिक्यूल्स. इस केस में पहला प्रोडक्ट जो हमारा होता है दैट इज द एक्टिव रिप्रेसर, जिसको मुझे इनएक्टिव करना होता है. रिप्रेसेबल के केस में हमारे पास इनएक्टिव रिप्रेसर होता है जिसको मुझे एक्टिवेट करना होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? नेगेटिव इंड्यूसिबल, नेगेटिव रिप्रेसेबल। इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? एनी क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, प्लीज टेल नो। No questions? Okay. So this is the same thing when you don't have inducer. In case of negative repressible, when you don't have inducer. So in natural case, we are having a inactive repressor molecules. So this inactive not able to bind to this operator site, and RNA polymerase will bind and gene will be expressed. But when you are going to have a inducer molecule, sorry, co-repressor molecules, this co-repressor binds to this one, make this inactive repressor into the active repressor, and this active repressor binds to the operator site and stop this transcription process. So in case of tryptophan operon, we are having similar type of process where we are having a repressor molecules, but this repressor is inactive, which need to be made active by this tryptophan molecule which works as a co-repressor. लैक्टोज के केस में हमने देखा था इंड्यूसर मोलिक्यूल चाहिए था जो येलो लैक्टोज था। इन केस ऑफ ट्रिप्टोफान के केस में हमें co-repressor चाहिए विच इज ए मेटाबोलाइट इटसेल्फ। वंस ट्रिप्टोफान विल बाइंड हियर, मेक दिस रिप्रेसर एक्टिव एंड दिस विल कम एंड बाइंड हियर एंड जीन विल बी इनएक्टिवेटेड, मीन्स एक्सप्रेशन विल बी इनएक्टिवेटेड। ठीक है, सो दिस इज लैक्टोज ऑपरॉन वेर रिप्रेसर प्लस इंड्यूसर मेक जीन एक्टिव। इन केस ऑफ ट्रिप्टोफान ऑपरॉन वी आर हैविंग ए रिप्रेसर प्लस को रिप्रेसर। सो वेन दिस इंड्यूसर बाइंड्स टू दिस वन, दिस जीन विल बी एक्स ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस, एंड वेन दिस रिप्रेसर बाइंड्स विथ को रिप्रेसर, ट्रांसक्रिप्शन विल बी स्टॉप्ड बिकॉज this is negative inducible, this is negative repressible. Next we are having two other things, that is positive inducible. Positive inducible means gene will be induced but positively. Positively means we need to have a activator molecule, activator component. So operon can be positively controlled, means genes are controlled by activator molecules. With positive control, a activator protein stimulate transcription by binding to the DNA. ठीक है, यहाँ तक समझ गए। पॉजिटिव मीन्स एक्टिवेटर जो जीन की एक्सप्रेशन को बढ़ाएगा। अब पॉजिटिव इंड्यूसिबल ऑपरॉन, एक्टिवेटर प्रोटीन्स आर नॉर्मली इनएक्टिव। इसमें हमें एक्टिवेटर है बट ये इंड्यूस करना पड़ेगा, पहले से इंड्यूस नहीं रहेगा, सो वी नीड टू इंड्यूस इट। तो इस केस में जो एक्टिवेटर होगा दे नेचुरली इनएक्टिव कंडीशन में होगा, इनएक्टिव मोड। सो इन पॉजिटिव इंड्यूसिबल ऑपरॉन एक्टिवेटर्स प्रोटीन्स आर नॉर्मली अनेबल टू बाइंड टू द डीएनए, मीन्स दे आर नॉट एक्टिव कंडीशन विच नीड टू बी एक्टिवेटेड। सो यहाँ भी एक्टिवेटर प्रोटीन्स के साथ हमें बाइंड करवाना पड़ेगा इंड्यूसर। सो इंड्यूसर कम्स एंड बाइंड टू द एक्टिवेटर, मेक दिस इनएक्टिव एक्टिवेटर इनटू एक्टिव एक्टिवेटर, एंड देन जीन विल बी इंड्यूस्ड। जैसे आप यहाँ देखें, दिस इज ए पॉजिटिव इंड्यूसिबल, तो वी आर हैविंग ए एक्टिवेटर मॉलिक्यूल बट दिस इज इनएक्टिव, ये बाइंड नहीं करेगा नॉर्मल जीन्स पे, सो ट्रांसक्रिप्शन आर स्विच ऑफ बिकॉज इट इज एक्टिवेटर इज रिक्वायर्ड देयर। आपको एक इंड्यूसर चाहिए विच बाइंड्स टू दिस एक्टिवेटर, मेक देम एक्टिवेट, दिस एक्टिवेटर बाइंड्स हियर एंड ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस। सो दिस इज स्लाइटली सिमिलर टू द रिप्रेसेबल मोलिक्यूल, मीन्स यू कैन कॉल इट, दिस प्रोसेस इज स्लाइटली सिमिलर टू द नेगेटिव रिप्रेसेबल बट वहाँ रिप्रेसर को हम एक्टिवेट करते थे, यहाँ एक्टिवेटर को एक्टिवेट कर रहे हैं. द डिफरेंस इज दैट वन. वहाँ हमारे पास रिप्रेसर मॉलिक्यूल था बिकॉज दैट वाज नेगेटिव. हियर वी आर हैविंग एक्टिवेटर बिकॉज दिस इज पॉजिटिव. बट दिस प्रोसेस इज सेम. वहाँ भी आपको इंड्यूसर चाहिए था, यहाँ भी आपको एक इंड्यूसर चाहिए. सेकेंड वन इज पॉजिटिव रिप्रेसेबल ऑपरेंड. सो वी नीड, in case of positive we need a activator and genes to be repressed. so अगर आपके पास activator होता है तो normally gene will be activated. तो हमें इस activator को inactivate करना होगा. so we need to have a activator genes जो normally active होता है. we are going to require a inhibitor which inhibit this activator and ultimately gene transcription will not take place. जैसे वी आर हैविंग नेचुरली ए एक्टिवेटर, एक्टिव एक्टिवेटर. जब तक ये रहेगा जीन विल बी एक्सप्रेस्ड, ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस. बिकॉज आई नीड टू मेक इट रिप्रेसेबल, ये रिप्रेसेबल है. तो अगर ये रिप्रेसेबल है तो इस केस में तो ये रिप्रेस नहीं हो रहा है, इस केस में ये इंड्यूस हो रहा है, एक्टिवेटेड है. सो वी नीड टू मेक इट रिप्रेसेबल. तो आपको एक इनहिबिटर चाहिए विच बाइंड्स विद दिस एक्टिवेटर, मेक देम इनएक्टिव so that this will not bind here and transcription will be switched off. Again अगर आप difference देखें, positive inducer inducible and positive repressible. in case of positive inducible we need, पहले से हमारे पास था that is inactive activator जिसको हमने activate किया by inducer molecules. in case of positive repressibles वी आर हैविंग ए एक्टिव एक्टिवेटर जिसको हमें इनएक्टिवेट करना था. सो दीज आर द फोर डिफरेंट टाइप्स. नेगेटिव इंड्यूसिबल आपने देखा, वी आर हैविंग ए एक्टिव रिप्रेशर. चारों का मैं चारों पिक्चर दिखाता हूं, देन वी कैन डिफ्रेंशिएट इट. सो दिस इज नेगेटिव इंड्यूसिबल. नेगेटिव मीन्स वी रिक्वायर ए रिप्रेशर एंड जीन्स शुड बी इंड्यूस्ड. तो आपके पास एक्टिव रिप्रेसर होता है नेचुरल कंडीशन में, रिप्रेसर बाइंड्स देयर, ट्रांसक्रिप्शन विल बी स्विच्ड ऑफ. यू रिक्वायर ए इंड्यूसर मॉलिक्यूल्स विच मेक देम इनएक्टिव एंड ट्रांसक्रिप्शन विल बी स्विच्ड ऑन. दिस इज नेगेटिव इंड्यूसिबल. नेगेटिव मीन्स रिप्रेसर, इंड्यूसिबल जीन टू बी इंड्यूस्ड. नेगेटिव रिप्रेसेबल, रिप्रेसर होना चाहिए बट जीन इनएक्टिव हो जाए पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्रेजेंस में. सिमिलरली पॉजिटिव इंड्यूसिबल, positive repressible. so this is our four different types of regulation of the gene expression in system. is this clear? is this four types of gene expression is clear for everyone? Any question? Because I am going to stop it here because this slide I will send it to you. So just try to understand these four types of regulations, and then tomorrow we will talk about lac operon. Any question anyone is having? If you have any question, you can ask me. No one is having any question?